हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक एलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स आई कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट तीन कोई एलिमेंट हैं जो कि आई को बिलोंग कर रहे हैं। फिर मानेंगे ए इज इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड एन। एन जो होता है यहाँ फिक्स्ड इंटीजर मानते हैं। इफ एक रिलेशन मान लेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू के एन। फॉर सम जो ये के है वो आई को बिलोंग करेगा। फिर दिस रिलेशन, अब हम इसको दिखाएंगे कि ये जो रिलेशन हमने माना है वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है। अगर वो ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमें पता है ए जो है वो ए जो एलिमेंट है वो आई इंटीजर को आई सेट जो है उसको बिलोंग करता है। तो अगर हम ज़ीरो रखेंगे ए माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब ज़ीरो को अगर हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़ीरो आ जाएगा और ज़ीरो जो है वो आई को बिलोंग करता है। तो जो आर है ये जो रिलेशन हमने माना है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सेकेंड प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक। उसके लिए मानेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड एन। फिर हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ए मॉड एन के कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर क्या करेंगे, अब हम ए माइनस बी रखेंगे। ए माइनस बी इक्वल टू मॉड एन की जगह पे हम के एन रख देंगे। ये वाला था ए माइनस बी इज इक्वल टू के एन। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस के एन। फिर बी माइनस ए इसमें से हम माइनस के ऐसे लिख लेंगे एन। और ये जो हमें पता है कि जो के है वो आई को बिलोंग करेगा और वो जो माइनस के है वो भी आई को बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। यही हमको निकालना था। तो ये हम यहाँ से ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन से बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन तक आ गए। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। अब हम थर्ड ट्रांजिटिविटी प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव है कि रिलेशन कि नहीं है। इसके लिए ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड एन एंड बी कॉन्ग्रुएंस टू सी मॉड एन। अब हमको इन दोनों से हमें ये निकालना होगा ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। अगर ये हमने प्रूव कर दिया देन ये जो रिलेशन हमें दिया गया है वो ट्रांजिटिव होगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये दोनों दिया गया था ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू के वन एन। ये जो के वन है वो आई को बिलोंग करेगा। फिर इसी तरह हम मान लेंगे बी माइनस सी इक्वल टू के टू एन। जो के टू है वो भी आई को बिलोंग करेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने से क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के वन एन प्लस के टू एन। अब हम इनमें से ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी ये के वन प्लस के टू एन आ जाएगा। अब हम इसकी जगह पे अगर दो के वन और के टू जो है वो आई को बिलोंग कर रहे हैं देन इनका सम भी आई को बिलोंग करेगा। इसको हम कैपिटल के मान लेते हैं और ये भी आई को बिलोंग कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ सी होगा, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। एंड यही हमको लाना था। तो हमें पता चल गया कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी है। अब हम लिख सकते हैं थस द रिलेशन सेटिस्फाइज़ेस।
ऑल द कंडीशंस ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये जो है सारी इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, हंस इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए ये जो हमें रिलेशन दिया गया था, इन अ सेट ऑफ इंटीजर्स आई कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल एन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने प्रूव कर दिया। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।